अरे हम हो के दे दादर सरवा, जय हो गंगा महारानी। यहाँ पर लगभग 35% ब्राह्मण हैं, कुछ वैदिक हैं, कुछ कर्मकांडी हैं। बात करीब 35 साल पहले की, हर 5 में से एक उच्च पद पर स्थापित व्यक्ति ब्राह्मण ही होता था। उसमें कतिपय गिरावट 30-40% कह सकते हैं। पहले ब्राह्मण को लोग पूजते थे, आज के युग में कोई ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं समझता। Wrong impression has gone around the world because socially they are on the number one, so they are rich also. पंडित लोगों को अच्छा पैसा कहाँ से होगा, कोई 1 रुपया भी देता है, कोई 2 रुपया भी देता है। टोटल ब्राह्मण कम्युनिटी का जो पॉपुलेशन है उसमें कम से कम 80% लोग गरीब है। झाड़ू पोछा बर्तन करते हैं, जात का ब्राह्मण है। मेरे पिताजी पूजा पाठ करते थे, मेरे चाचा ये आज भी करते हैं मंदिर में पूजा पाठ, उनका पेट भी ठीक से नहीं भर पा रहा है। कुछ मिलता नहीं है खाने को, तो वहाँ से लाते हैं, तो बच्चा को खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं, और वही कपड़ा देते हैं तो पहनते हैं। कि आज की डेट में हम अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाते। विदेशों में कहते हैं कि ब्राह्मण ब्राह्मण ये ब्राह्मण वो, लेकिन ऐसा नहीं है ब्राह्मणों के साथ। ब्राह्मण पलट चुके हैं, नीचे आ गए लैट्रिन साफ करने के लिए। तो चलो मैं जाके चेक करो, अगर मुझे लगता है कि लैट्रिन के नीचे भी कोई काम होगा तो वो हमें करना पड़ेगा। ब्राह्मण है क्या करें, काम नहीं ना है, मजबूरी है बहुत ज्यादा। बाथरूम में जो मॉल मूल है सब साफ करते हैं। ब्राह्मण का पहचान जनऊ है, और वो अंदर में है, बाहर में तो निकाल के उसको काम नहीं कर सकते हैं। बाहर में निकाल लेंगे तो फिर पहन नहीं सकते हैं। अब ब्राह्मण लोग बेरोजगार हैं, उसके लिए कोई मतलब नौकरी नहीं मिल रही है, मजबूर है सब। एक तरफ जो आप कहते हैं कि उसको दलित बनाया गया, इसको ऊपर उठाना है, तो एक ऊपर उठे हुए को काहे दलित बना रहे हो। पॉपुलेशन वाइज माइनॉरिटी है ब्राह्मण, फाइनेंशियली इकोनॉमिकली इतना वीकर पोजिशन में है ब्राह्मण। हम लोग को तो शर्म आती है कि हम ब्राह्मण में पैदा क्यों, दूसरे कास्ट में होते तो मुझे कहीं रोजी रोटी मिलती, मैं भी चौड़े होके घूमते जी। अभी हमारा सेफ्टी खत्म हो गई, दिन रात डर के रहना। हमारे को गायें पालने के लिए, वो डेयरी बनाने के लिए पैसा नहीं मिलेगा कि हम अपनी 2-4 गायें वहाँ पे रख लें, लेकिन दलित लोगों को मिलेगा। गवर्नमेंट सारे के सारे धर्म का हेल्प कर रहे हैं, सारे इमाम के लिए गवर्नमेंट से हेल्प मिलते हैं, सपोर्ट मिलते हैं। आप केंद्रों कितना मंदिर में पंडितों को हेल्प मिलते हैं, कितना मंदिर में पंडितों को सैलरी गवर्नमेंट देते हैं, कहीं नहीं। जो है गाँव वालों को एक कमरा बनाने के लिए, घर बनाने के लिए उनको 25-25 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। अमीर हो तो वे भी उनको 25 हज़ार रुपये दिया जाएगा, लेकिन जो गरीब ब्राह्मण है, ब्राह्मण के नाम पे उसको पैसा नहीं दिया जाएगा। हमें नहीं लगता कि हमारी लड़की को आने वाले दिनों में कोई अच्छी सर्विस मिलेगी। इंडिया में जितने भी हिंदू धर्म से संबंधित मंदिर ऐसे हैं, संस्था ऐसी हैं, इनके पैसे गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं। ऐसा टेम्पल उन्होंने छोड़ दिया जिस टेम्पलों से पैसा इनकम है नहीं, वहाँ बैठा हुआ पंडितों को ज़्यादा से ज़्यादा पूरा साल का 3,600 रुपया। ब्राह्मण के साथ क्या होगा, इस तरह ब्राह्मण कहीं नजर नहीं, लुप्त हो जाएगा ब्राह्मण। 15 साल बाद तो हिंदुस्तान के नक्शे से अगर कहीं नक्शे पे नाम लिखा जाए जातियों, कितनी जातियां यहाँ पर, तो वहाँ पे ब्राह्मण नाम की जातियां कोई हरफ नहीं आएगा। ब्राह्मण का कोई ब्राह्मणत्व तो नहीं रहेगा, ना कोई धर्म रहेगा। खुद ही हम आए अपने बीवी बच्चे को खड़ा कर गोली मार देंगे, मर जाएंगे, गला दबा देंगे, क्या करेंगे, भूखे मरेंगे। अगर मुझे लैट्रिन भी साफ करनी पड़ेगी तो मैं भी बोलूँ मेरे बच्चों का पेट भरना है मेरे को। मुझे सुलभ शौचालय में भी नौकरी मिली थी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, लेकिन हम नहीं किए कि हम चाहे अपना जान दे दें लेकिन अपना धर्म थोड़े करेंगे, लैट्रिन साफ थोड़ी करने जाएंगे जी। कितना भी कष्ट में है फिर भी आपने कुल धर्म छोड़ने में हिम्मत नहीं करते हैं। जान जाने दो, हम गरीब हो गए मरे, हम ब्राह्मण्यता का नहीं छोड़ना चाहिए, इसी वजह से अभी तक बारिश हो रहे हैं।
अगर ये लोग भी अपने धर्म का जिन्हें हटा के नहीं चाहिए ये धर्म ऐसा बोल के बाहर आ गया, कहानी खत्म, फिर बारिश नहीं होगा जरूर और एक महाभारत चालू हो जाएगा।